नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अ प्रोटॉन विथ काइनेटिक एनर्जी 1 MeV मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इट गेट्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 10^12 m/s² बाई एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हुज डायरेक्शन इज वेस्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 × 10^-27 kg। तो क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब ये है कि एक प्रोटॉन साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, V इधर दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसको हम लोग लिखते हैं क्यू वी बी साइन थीटा लिखते हैं, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है। तो ये फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स की वजह से प्रोटॉन के पास एक्सेलरेशन आएगा, तो लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आएगा क्यू वी बी डिवाइडेड बाई एम। ठीक, तो जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10^-19। जो वेलोसिटी है वो हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दिया गया है 1 MeV, है ना, काइनेटिक एनर्जी होता है यहाँ पर 1/2 mv², है ना, ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी दिया गया है 1 MeV। तो पहले तो लिखेंगे 10^6, इसको जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो 1.6 × 10^-19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आएगा 1.6 × 10^-13, ये 1/2 mv² हो गया। तो यहाँ से V का वैल्यू हम लोग निकाल के इसमें रख सकते हैं, ठीक, वो आ जाएगा इतना 2 × 1.6 × 10^-13 m का रूट इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, डिवाइडेड बाई एक और यहाँ पर मास है m, है ना। तो मास का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया गया है, ये मास का वैल्यू रख सकते हैं 1.6 × 10^-27, यहाँ भी रखेंगे, और एक्सेलरेशन दिया गया है 10^12, तो जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, तो ये आएगा 0.71 × 10^-3 tesla, मतलब 0.71 mT आएगा। तो देखेंगे फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है।